के पास है अकूत संपदा, चांद की धरती में छिपा है खजाना, मूल्यवान धातुओं का भंडार, चांद की रिसर्च में खुलासा, चांद की धरती बनाएगा अमीर। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत ने चांद की सतह पर कदम रख दिया है और पूरे विश्व की नजर हमारे मिशन पर है। वो जानना चाहते हैं कि हमें क्या क्या जानकारियां हाथ लगती हैं, साथ ही दूसरे देश भी लगातार चांद की जानकारी जुटाने में लगे हैं। चंद्रयान के चांद पर कदम रखते ही पूरे विश्व के सामने हमने अपना परचम लहरा दिया। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम जहां उतरेगा उसी जगह पर ये जांचेगा कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं, वहां थर्मल और लूनर डेंसिटी कितनी है, रोवर चांद के सतह की रासायनिक जांच करेगा, तापमान और वातावरण में ह्यूमिडिटी है कि नहीं। चंद्रमा की सतह पर पानी होने के सबूत तो चंद्रयान 1 ने खोज लिए थे, लेकिन चंद्रयान 2 से ये पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। और यहीं से शुरू होगी कहानी चांद के अमीर होने की। लेकिन उसके पहले बता दें कि हमारा चांद अमीर कैसे है। दरअसल धरती और चांद पर मूल्यवान धातु की मौजूदगी के संबंध में किए गए एक अध्ययन से ये खुलासा हुआ है। इस रिसर्च की माने तो पृथ्वी के इकलौते उपग्रह के गर्भ में छुपा है मूल्यवान धातुओं का भंडार। ये पूरी रिसर्च डलहौजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेम्स ब्रेनन ने की है। धरती और चांद पर मूल्यवान धातु की मौजूदगी के संबंध में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी के इकलौते उपग्रह के गर्भ में मूल्यवान धातुओं का बड़ा भंडार छुपा हो सकता है। कनाडा के डलहौजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जेम्स ब्रेनन का कहना है, हम चांद पर मौजूद ज्वालामुखी पत्थरों में पाए जाने वाले सल्फर का संबंध चांद के गर्भ में छुपे आयरन सल्फेट से जोड़ने में सफल रहे हैं। धरती पर मौजूद धातु भंडार की जांच विश्लेषण से पता चलता है कि प्लैटिनम और पलाडियम जैसी मूल्यवान धातुओं की मौजूदगी के लिए आयरन सल्फाइड बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का लंबे समय से अनुमान है कि चांद का निर्माण धरती से निकले एक बड़े ग्रह के आकार के गोले से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ है। दोनों के इतिहास में समानता की वजह से ऐसा माना जाता है कि दोनों की बनावट भी मिलती जुलती है। इस रिसर्च की माने तो इन नतीजों से ये जानकारी निकली है कि चंद्रमा की चट्टानों में सल्फर की मौजूदगी है। इसकी गहराई में आयरन सल्फाइड की उपस्थिति का अहम संकेत है। ये माना जा रहा है जब लावा बना तब कई बहुमूल्य धातुएं पीछे दब गईं। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चांद की सतह में और भी बहुत मूल्यवान धातुएं हो सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आसमान के भी पार अंतरिक्ष में भारत की सफलता के बारे में जरूर गर्व हुआ होगा। चंद्रयान 2। राजस्थान के जोधपुर से संजीव हरिपुरा, कोलकाता से महेंद्र कुमार डागा, तेलंगाना से पी अरविंद राव, ऐसे अनेक देश भर के अलग अलग भागों से कई लोगों ने मुझे नरेंद्र मोदी ऐप और माई गॉव पर लिखा है और उन्होंने मन की बात में चंद्रयान 2 के बारे में चर्चा करने का आग्रह किया है। दरअसल स्पेस की दृष्टि से 2019 भारत के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने मार्च में ए सेट लॉन्च किया था और उसके बाद चंद्रयान 2 चुनाव की आपाधापी में उस समय ए सेट जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी, जबकि हमने ए सेट मिसाइल से महज 3 मिनट में 300 किलोमीटर दूर सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल की। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना और अब 22 जुलाई को पूरे देश ने गर्व के साथ देखा कि कैसे चंद्रयान 2 ने श्री हरिकोटा से अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाए। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की तस्वीरों ने देशवासियों को गौरव और जोश से प्रसन्नता से भर दिया। चंद्रयान 2 यह मिशन कई मायनों में विशेष है। चंद्रयान 2 चांद के बारे में हमारी समझ को और भी स्पष्ट करेगा। इससे हमें चांद के बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारियां मिल सकेगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि चंद्रयान 2 से मुझे कौन सी 2 बड़ी सीख मिली, तो मैं कहूंगा ये 2 सीख हैं, फेथ और फियरलेसनेस, यानी विश्वास और निर्भीकता। हमें अपने टैलेंट्स और कैपेसिटीज पर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए।
आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से भारतीय रंग में ढला है। यह हार्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है, पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है। इस मिशन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब बात नए नए क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने की हो, इनोवेटिव जील की हो, तो हमारे वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ हैं, विश्व स्तरीय हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पाठ यह है कि किसी भी व्यवधान से घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में दिन रात एक करके सारे टेक्निकल इश्यूज को ठीक कर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। वैज्ञानिकों की इस महान तपस्या को पूरी दुनिया ने देखा, इस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। और व्यवधान के बावजूद भी पहुंचने का समय उन्होंने बदला नहीं, इस बात का भी बहुतों को आश्चर्य है। हमें अपने जीवन में भी टेम्पररी सेटबैक्स यानी अस्थाई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमेशा याद रखिए, इससे पार पाने का सामर्थ्य भी हमारे भीतर ही होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 2 अभियान देश के युवाओं को साइंस और इनोवेशन के लिए प्रेरित करेगा। आखिरकार विज्ञान ही तो विकास का मार्ग है। अब हमें बेसब्री से सितंबर महीने का इंतजार है, जब चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की लैंडिंग होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आसमान के भी पार अंतरिक्ष में भारत की सफलता के बारे में जरूर गर्व हुआ होगा। चंद्रयान 2। राजस्थान के जोधपुर से संजीव हरिपुरा, कोलकाता से महेंद्र कुमार डागा, तेलंगाना से पी अरविंद राव, ऐसे अनेक देश भर के अलग अलग भागों से कई लोगों ने मुझे नरेंद्र मोदी ऐप और माई गॉव पर लिखा है और उन्होंने मन की बात में चंद्रयान 2 के बारे में चर्चा करने का आग्रह किया है। दरअसल स्पेस की दृष्टि से 2019 भारत के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने मार्च में ए सेट लॉन्च किया था और उसके बाद चंद्रयान 2 चुनाव की आपाधापी में उस समय ए सेट जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी, जबकि हमने ए सेट मिसाइल से महज 3 मिनट में 300 किलोमीटर दूर सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल की। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना। और अब 22 जुलाई को पूरे देश ने गर्व के साथ देखा कि कैसे चंद्रयान 2 ने श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाए। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की तस्वीरों ने देशवासियों को गौरव और जोश से प्रसन्नता से भर दिया। चंद्रयान 2 यह मिशन कई मायनों में विशेष है। चंद्रयान 2 चांद के बारे में हमारी समझ को और भी स्पष्ट करेगा। इससे हमें चांद के बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारियां मिल सकेगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि चंद्रयान 2 से मुझे कौन सी 2 बड़ी सीख मिली, तो मैं कहूंगा ये 2 सीख हैं, फेथ और फियरलेसनेस, यानी विश्वास और निर्भीकता। हमें अपने टैलेंट्स और कैपेसिटीज पर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से भारतीय रंग में ढला है। यह हार्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है, पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है। इस मिशन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब बात नए नए क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने की हो, इनोवेटिव जील की हो, तो हमारे वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ हैं, विश्व स्तरीय हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पाठ यह है कि किसी भी व्यवधान से घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में दिन रात एक करके सारे टेक्निकल इश्यूज को ठीक कर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। वैज्ञानिकों की इस महान तपस्या को पूरी दुनिया ने देखा, इस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। और व्यवधान के बावजूद भी पहुंचने का समय उन्होंने बदला नहीं, इस बात का भी बहुतों को आश्चर्य है। हमें अपने जीवन में भी टेम्पररी सेटबैक्स यानी अस्थाई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमेशा याद रखिए, इससे पार पाने का सामर्थ्य भी हमारे भीतर ही होता है। मुझे पूरी उम्मीद है
कि चंद्रयान 2 अभियान देश के युवाओं को साइंस और इनोवेशन के लिए प्रेरित करेगा। आखिरकार विज्ञान ही तो विकास का मार्ग है। अब हमें बेसब्री से सितंबर महीने का इंतजार है, जब चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की लैंडिंग होगी।